नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। आज जम्मू में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद और उनके समर्थन में आए कई और वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जम्मू में एक विशाल रैली को आयोजित किया गया, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, राज बब्बर समेत करीबन 7 मेंबर जो हैं वो दिल्ली से आए। ये वो मेंबर्स हैं जो G23 के सदस्य हैं। G23 वो ग्रुप है जिसने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राहुल गांधी को जिस तरह से प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था उस पर नाराज़गी जताई थी। लेकिन आज ये रैली यहाँ जम्मू में होती है, लेकिन इस रैली में ना तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीए मीर का फ़ोटो नज़र आता है और ना ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फ़ोटो नज़र आ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस के बीच में दो फाड़ हो चुकी है और कांग्रेस का स्प्लिट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। और आज जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने अपना एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो जम्मू से दिखाया और उसमें G23 के 7 मेंबर्स शामिल हुए, इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राशिद चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद जी, सबसे बड़ा सवाल कि आज इतनी बड़ी रैली जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब की स्वागत में किया जाता है जम्मू में, लेकिन ना तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं जीए मीर, ना ही राहुल गांधी, ना ही सोनिया गांधी का कोई भी चित्र इस पोस्टर पर नजर आ रहा है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जीए मीर साहब, कल उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद साहब को एक बड़ा अच्छा वार्म रिसेप्शन दिया है और उस रिसेप्शन उनके वो नेतृत्व में सिद्धार्थ में था और आज़ाद साहब ने उनकी साथ बैठ के पूरे कार्यकर्ताओं की कल मीटिंग ली, जिसमें मैं भी था, आप साथी भी शामिल थे, बाद में बैठ हुआ। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस पार्टी मिसिंग है या कांग्रेस पार्टी यहाँ होनी चाहिए, उनका भी होना ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं आज़ाद साहब होंगे, कहीं मीर साहब होंगे, कांग्रेस पार्टी में ऑल इज़ वेल है, सब इकट्ठे हैं। ये पोस्टर जो है खुद प्रेजेंट नहीं है, मैं मान सकता हूँ, कम से कम उनका चित्र तो पोस्टर पर होना चाहिए। एक सदर के मुताबिक एक रजिस्टर्ड एनजीओ का पोस्टर है, प्रोग्राम है, और ये जो पोस्टर जो सुबह से मीडिया डिस्कस कर रही है, ये एक व्यक्ति जयसिंह जी हैं, हमारे लीडर हैं, उन्होंने अपने बिहाफ पे किसी को भी वेलकम लिख दिया। अब इसका ऑफिशियल क्या तल्लुक इस पूरे रैली ग्राउंड में, अगर मैं नजर दौड़ाऊंगा कि कहीं पर भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या फिर जीए मीर का कोई कटआउट या कोई पोस्टर कहीं पर लगा दिखाई दे रहा है आपको? इसकी वजह सामने है, गांधी ग्लोबल फैमिली यूएन की एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हर साल ये फंक्शन बड़े धूमधाम से हर एक प्रदेश में होता है, इस साल जम्मू में हो रहा है। और अच्छी बात है कि आज़ाद साहब आए, बाकी लीडर साहिबान आए, कल पार्टी ऑफिस में भी बात हुई, सब चीज़ें हुई, ये अच्छा है। पर इसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ कहाँ से आएगा? इसमें सोनिया जी कहाँ से आएंगे? इसमें राहुल जी कहाँ से आएंगे? इसमें जी मीर साहब कहाँ से आएंगे? लेकिन ऐसा जो मंच से भाषण दिया गया वो गांधी ग्लोबल फैमिली का मंच से जो भाषण दिया जाता है वो भाषण नहीं था, वो पूरी तरह से राजनीतिक भाषण था। और एक शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने अपना कद और अपना जो वर्चस्व है पार्टी में वो दिखाने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो कांग्रेस में लोग मीडिया के कुछ साथी इंग्लिश स्पीकिंग चैनल्स जो दिखाना चाहते हैं वो नहीं है। ऑल इज़ वेल इन कांग्रेस, कोई डिवीजन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये कांग्रेस लीडर्स ज़रूर थे, मैं भी तो कांग्रेस लीडर हूँ, यहाँ हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जब कांग्रेस का प्रोग्राम होगा तो उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट जीए मीर साहब अध्यक्ष हैं विदाउट एनी थिंग, ही इज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, उसमें आज़ाद साहब हूँ, मैं हूँ, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हूँ। यहाँ पर ताराचंद जी जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर थे, जुगल जी यहाँ पर थे, आप यहाँ पर हो, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी अगर एक सदर रियासत जो हैं, सदर के जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, चीफ हैं, उनका फ़ोटो ना लगाना, राहुल गांधी जो नेशनल पार्टी के एक सीनियर मेंबर हैं, जो सोनिया गांधी प्रेसिडेंट हैं, उनका फ़ोटो ना लगाना, और इस पोस्टर में अगर आप नज़र डालोगे तो कहीं पर भी गांधी ग्लोबल फैमिली का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ साफ तौर पर लिखा है कि गुलाम नबी आज़ाद के फार्मर LOP जो हैं उनके फेवर में एक सीनियर जो है वो एक रैली की जा रही है और ऑल अदर सीनियर कांग्रेस लीडर्स इसमें जो हैं शामिल हैं। जयसिंह जी भी सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। तो जयसिंह का देखिए, एक व्यक्ति जो है उसका ये बनता है कि वो किसका फोटो लगाए कि इसने लगाए, इसमें पार्टी क्या कर सकती है? पार्टी के एक ऑफिशियल लाइन एंड लेंथ है, जिस दिन मैं पार्टी का प्रोग्राम करूंगा तो मुझे पता है कि क्या करना है। ये एक NGO का प्रोग्राम है, NGO किसका पोस्टर लगाती है, किसका नहीं लगाती है, वो हमें कितना सम्मान बख्शती है, उनका धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बात है। पर ये
बात विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम हुआ उसमें जी अमीर साहब की ही सदारत में सारे प्रोग्राम होंगे, आजाद सब भी उसमें होंगे, सब लोग होंगे विदाउट एनी डिस्प्यूट। पहली बार ऐसा नहीं है कि ग्लोबल फैमिली गांधी ग्लोबल फैमिली ने जम्मू में कोई फंक्शन किया हो, इससे पहले भी फंक्शन किया हुआ उसमें गुलाम नबी आजाद साहब आते रहे हैं, शमूलियत करते रहे हैं, और उस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो उस समय के प्रेसिडेंट होते थे उनके बाकायदा फोटो वहां पर लगे हुए। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि परेड में आज से कोई 2012 और 2013 के बीच में अक्टूबर में प्रोग्राम महीने में प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के फोटोग्राफ पिक्चर्स आज भी मेरे पास हैं, उसमें भी तब भी गांधी ग्लोबल फैमिली के ही लोगों का या जो मुख्य अतिथि थे आज़ाद साहब और सुशील कुमार शिंदे के अलावा किसी की पिक्चर नहीं थी। अच्छा, हालांकि आज़ाद साहब उस वक्त यूनियन मिनिस्टर थे और बाकी भी लोग जो थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिटिंग थे ताराचंद जी, बाकी लोग भी थे सारे, तो उस वक्त भी ऐसा नहीं था। तो गांधी ग्लोबल फैमिली का अगर बैकड्रॉप पर आप जाएंगे, एक तिरंगा लगा है वहाँ पर और एक उनका अपना चिन्ह लगा। अगर मंच से आनंद शर्मा जी ने जो भाषण दिया, कपिल सिब्बल जी ने जो भाषण दिया, मनीष तिवारी ने जो भाषण दिया, उसे सुनकर आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक मनमुटाव का इस समय स्थिति बनी हुई है? कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी भी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, इसकी यही खूबसूरती है। तो इसमें अलग अलग विचार रखने का सबको अधिकार है, सब अपना विचार रखते हैं। बहरहाल जब कांग्रेस का रैंक एंड फाइल की बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन की बात है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से सोनिया जी से लेकर के मुझसे जैसे छोटे कार्यकर्ता तक, तो फिर ऑल इज़ वेल है, यूनाइटेड है, सीधा डायरेक्शन क्लियर है और नेतृत्व सोनिया गांधी जी का जो वर्ड है वही हमारे लिए वर्ड है, वही जी मीर साहब उसको फॉलो करते हैं, वही आज़ाद साहब हैं, सबके सब लोग एक लाइन में हैं। हाँ, बातें करने का सबको, अपना विचार रखने का सबको अधिकार है, तो मुझे लगता है वही राइट जो है एक्सप्रेस किया है लोगों ने और उसमें कोई ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कल राहुल गांधी जी का एक बयान आया था जिसमें ईस्ट नॉर्थ और साउथ की बात उन्होंने कही थी, तो ये जितने भी G23 के मेंबर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए थे सब नॉर्थ डिवीजन से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस लाइन पर तो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा प्रकट करने की कोशिश तो नहीं है उनकी तरफ से? देखिए, राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मोड़ के मीडिया ने, कुछ साथियों ने पेश किया है, वो अनफॉर्चुनेट है। राहुल गांधी जी एक आम व्यक्ति की तरह बात कर रहे थे, क्यों नहीं, देश की रियलिटीज हैं, नॉर्थ साउथ महाराष्ट्र गुजरात बंगाल असम ये देश के हिस्से हैं और देश की अलग अलग खाने शक्लें बोलियां सब कुछ है, एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद नहीं, जब मैं जम्मू में हूँ तो मुझे जो जम्मू की डिश है राजमा चावल है जो भी मैं खाता हूँ वो अच्छा लगता है, जब मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ तो महाराष्ट्र का जो है, जब साउथ में जाता हूँ तो इडली वड़ा डोसा जो है मुझे अच्छा लगता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने दो फाड़ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, ना किसी ने उसको नोटिस किया है। जो लोग करना चाहते हैं उनका एक पॉलिटिकल मोटिव है, वो उससे राहुल जी के पहले भी बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और आज भी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा तो नहीं है कांग्रेस ने गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध ली है? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने पट्टी नहीं बांधी है, पट्टी जिन लोगों ने बांधी है वो रास्ते पर चल रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा, पर उनके आगे खड्डा आने वाला है। देश की आर्थिक स्थिति जो है, जहां वो ले गए हैं, जिस तरह से सारा फंक्शनिंग हो रहा है देश का, वो अभी उनको समझ में आ जाएगा। G23 के मेंबर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जो देश की आर्थिक स्थिति और चीज़ों पे लेके जा रहे हैं। G20 एक नाम दिया है, ये भी तो मीडिया की क्रिएशन है। G20 कौन है? कोई G20 नहीं है, कोई G2 नहीं है, जो G23 नहीं है, ऑल इज कांग्रेस, सारे लोग कांग्रेस के हिस्सा हैं और कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के अंदर पूरा हक है सब लोगों को बात करने का। और वही गुलाम नबी आज़ाद हैं जिनको कहते हैं कि आप G23 हैं, जिन्होंने राहुल जी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर प्रपोज किया, वही गुलाम नबी आज़ाद हैं जिन्होंने सोनिया जी का जो कैंडिडेचर है वो प्रपोज किया और असेंड किया। तो उन्होंने लेटर क्यों लिखी? देखिए, लेटर लिखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेटर लिखने का मतलब है कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए। और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ खतो खताबत करते हैं। अगर हम सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की आपस की चिट्ठियाँ आज भी आर्काइव्स में पढ़ते हैं तो प्राउड फील होता है कि हमारी जो जिन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो किस तरह से एक दूसरे से खतो खताबत करते थे, कितने पास दिल्ली में रहते थे। तो चिट्ठी लिखना एक वेलकम स्टेप। सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उस लेटर लिखने की वजह से आज गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है? क्योंकि उनकी अगर राज्यसभा की सीट गई है, जम्मू कश्मीर में अभी असेंबली मौजूद नहीं है, तो कहीं दूसरी जगह से भी इतने सीनियर मेंबर्स को राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है? देखिए, वो बात ये है कि अगर यहाँ नहीं है, पहली बात तो आपने कह दिया कि यहाँ नहीं थी तो गई है, अगर कहीं और भी कोई कैपेसिटी इस वक्त, जब से पिछले 3 महीने में 90 डेज में और आगे 1.5 महीना और, कहीं से भी कोई राज्यसभा की सीट नहीं है। अब वो रिटायर होने के पहले एडवांस में तो बना नहीं सकते, तो जब होगा
गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस में इग्नोर किया जा रहा है या कुछ ऐसा है? मुझे लगता है ये अटकलें हैं और ऐसी कोई बात जमीन पे नहीं है। वो कौन का दौर है? हाँ, इनका एकजुट होकर एक एक भाषा में बात करना, एक तरह से कांग्रेस की लीडरशिप को ये बताना कि कांग्रेस बिखर रही है, उसको मजबूती देने की बात है, इसको क्या माने, क्या समझे हम? नहीं, इससे देखिए कुछ भी ऐसा रीड आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये एक ग्रुप नहीं है बल्कि एक लोग हैं। आत्म मंथन जो है उसके लिए तो बात चल रही है, वो तो आत्म मंथन तो करते ही है, इंट्रोस्पेक्शन रिट्रोस्पेक्शन हो रही है और उसका जून के आसपास तक, जैसे आईसीसी के रेजोल्यूशन आ चुका, नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे, सब जगह इलेक्शन होने चाहिए, हालात बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई, ग्राउंड की सिचुएशन बदल गई, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और उसी पर बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राशिद चौधरी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को बचाने की कोशिश की है और उनको कहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, छोटी मोटी नाराजगी है वो जो चल रही है, लेकिन इस पोस्टर को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी इस समय किस जो है किस बदलाव की रूप में है, कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर यहां पर इकट्ठे होते हैं, राजनीतिक मंच सजता है, राजनीतिक भाषण दिए जाते हैं, लेकिन ना तो यहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर मौजूद होते हैं, ना ही उनका चित्र यहां पर लगता है और ना ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी का चित्र किसी भी पोस्टर पर नजर आता है। इससे साफ नजर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय कांग्रेस के एक बड़े गुट के अंदर किस तरह से नाराजगी है और क्या कांग्रेस एक बार फिर स्प्लिट के कगार पर खड़ी है, दो फाड़ होने के कगार पर खड़ी है, यह आज का सबसे बड़ा सवाल। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।